क्वाइट हैप्पी और बहुत एक्साइटेड हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं सुपर नेचुरल जॉनर को जो है करने जा रही हूँ. और हर दिन बहुत चैलेंजिंग होता है और बहुत मज़ा आता है सेट पर. इनफैक्ट बहुत अच्छी टीम मिली है मुझे, बहुत अच्छे डायरेक्टर मिले हैं और को एक्टर्स बहुत सपोर्टिव हैं. हम लोग काफ़ी रिहर्स करते हैं देन वी डू द सीन, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है आई फील सो. इट्स अ प्लेजेंट कोइंसिडेंस कि इस शो में भी नाम मुझे संध्या मिला. मतलब पहले से ही स्क्रिप्ट में संध्या नाम था और जब मैं सिलेक्ट हुई एंड देन आई गेट टू नो दो दिन पहले शूटिंग से कि संध्या ही है, तो मुझे यही सोचा कि गॉड का एक अच्छा प्लेजेंट कोइंसिडेंस है. और ऑल्दो मेरी ऑडियंस मुझे संध्या नाम से ही ज़्यादा जानती है, हाँ, बट ये किरदार उस संध्या से बहुत डिफरेंट है. शी इज़ अ मराठी गर्ल और इंडिपेंडेंट है, केयरिंग है, लविंग है, बिलीव्स इन ट्रू लव और उसके सिबलिंग्स उसको शी लुक अप टू हर और बेसिकली या शी बिलीव्स इन गॉड एंड कुछ एक इनऑस्पिशियस टाइम में वो महाशिवरात्रि के दिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है हिवॉक, जिससे उसकी लाइफ के अंदर एक हिवॉक हो जाता है कि टू वेदर टू फॉलो हर हार्ट और माइंड. Now it is like I'm from past 3 days I'm continuously going here and there and then going back on shooting. So I have a very good support system at home. I live in joint family. I live in joint family and I have sister-in-law, mother-in-law. She has also a kid. तो मेरे बच्चे के साथ में एक कज़न भी है तो जो कि 20 दिन छोटी है, तो थोड़ा हो जाता है. एंड ऑल्सो रोहित ऑल्सो टेकन अ ब्रेक फॉर 2-3 मंथ्स कि जब तक मेरा इस तरह का शूटिंग स्केड्यूल है और इधर उधर पी आर एक्टिविटीज़ हैं तब तक जो है सोहम को एटलीस्ट ये हो कि पापा तो देखने को मिल रहे हैं. थैंक यू. ज़्यादा समय तो नहीं लगा है, जस्ट एंड हाफ एन आवर. इज जस्ट अ नाइस कलर जो कि मेरी स्किन टोन को और ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है और ज़्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज द कलर इज सो प्रिटी. एंड आई थैंक टू आकांक्षा माई स्टाइलिस्ट हु ब्रॉट मी दिस सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस. बहुत पहला सीज़न बहुत अच्छा था और उसी तरह से सेकंड सीज़न भी, मतलब मैं हम लोग पढ़ते हैं और देन हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं तो हर दिन बहुत चैलेंजिंग होता है. स्टोरी इतनी अच्छी, जैसे कि आपने देखा अभी यू नो कि एक लड़की है, एक सिंपल लड़की है, उसकी लाइफ में इस तरह से यू नो हवा हो जाता है महाशिवरात्रि के दिन कि गॉड ने उसको कोई और लड़का दिखा दिया एंड शादी किसी और से हो रही है, तो वो किसको चूज़ करेगी, अंगद को या कपिल को. तो वो एक बहुत ज़्यादा हवाक है एंड कन्फ्यूजन्स हैं एंड देन वो अपनी फैमिली के लिए कैसे कवच बनेगी, तो और विद सुपरनैचुरल थिंग्स एंड घोस्ट एंड एवरीथिंग, तो अगेन बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं रास्ते में और उसको कैसे वो चैलेंजेस को लेती है एक सिंपल लड़की. तो बहुत अमेजिंग है, स्टोरी बहुत अमेजिंग है, मैम ने बहुत 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 अच्छा लिखा है. आई फील आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे इस स्क्रिप्ट पे काम करने का मौका मिला. आई एम थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू. पिछले 2 साल से मैं नहीं हूँ टेलीविजन स्क्रीन पे, बट आपने मुझे इंस्टाग्राम पे बिकॉज ऑफ़ योर मेहनत इतने सारे VM मेरे पास्ट वर्क को बार 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 उस पर एडिटिंग करके, जिसमें मैं खुद से जानती हूँ कि एडिटिंग में कितना टाइम लगता है, मगर वो लोग वीडियोज़ और एडिटिंग कर करके मेरे मुझे बार बार खबरों में रखते हैं, तो वो आई थिंक मुझे अभी तक के बेस्ट फैंस मिले हैं जो मैं स्क्रीन पे ना होते हुए भी वो फिर भी मुझे चाहते हैं. आई थिंक मैं आज वापस जो आई हूँ अपने फैंस की वजह से ही आई हूँ बिकॉज दे वॉन्ट टू see my work more and more. They want to see me performing. Thank you so much. बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है, रोमांटिक थ्रिलर शो है और रघुवीर जो कि मेल लीड है उनकी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में 3 अच्छी खूबसूरत लड़कियाँ आती हैं और उनकी लाइफ में कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो आपको शो देख के पता लगेगा. सो आई थिंक इट्स अ कैरेक्टर. आई एम प्लेइंग सुकन्या हु इज़ अ लंडन बेस्ड गर्ल जो कि UK के richest businessman की बेटी हैं और रघुवीर की लाइफ में आती हैं, रघुवीर से बहुत प्यार करती हैं और कैसे और कब क्या कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो आप कहानी देख के पता लगेगा. बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैच करती हैं, जैसे कि आई एम नॉट फ्रॉम लंडन, आई एम फ्रॉम दिल्ली, बट जो क्लासीनेस बात करने में जो उनकी है वो मुझ में भी कहीं ना कहीं है और बाकी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो टोटली ऑपोजिट है. सो जो ऑपोजिट वाली चीज़ें हैं जो क्या क्या डिफरेंट शेड्स आएंगे उनके कैरेक्टर में, छोटी छोटी चीज़ें, वो आपको शो देख के पता लगेगा.
जी, मैंने बालाजी में काफ़ी ऑडिशंस दिए थे और सबसे पहले एक वेब शो के लिए मैंने साइन किया था, जिसकी वजह से वेब शो आई थिंक गॉट डिलेड और फिर इस शो के लिए ऑडिशन दिया एंड दैट्स हाउ आई गॉट द रोल ऑल्सो। आपका लुक भी काफ़ी रिच दिखाया गया है जी, थोड़ा सा बताइए लुक के ऊपर कितना काम किया है? क्योंकि लंदन की जो है लड़की हैं, जो लंदन की हैं, तो बहुत क्लासी, बहुत ही पॉइज्ड और रिच फैमिली को बिलोंग करती हैं, तो लुक भी ऐसा ही है कि मॉडर्न, क्लासी, रिच, अर्बन, ऐसा ही लुक रहेगा। अमेजिंग, पर्ल हो चाहे इशिता हो या फिर अपर्णा हो, तीनों ही बहुत ही, एक तो टैलेंटेड एक्टर्स हैं और टैलेंटेड के साथ साथ ना बहुत ही कंफर्टेबल वाइब उन्होंने और कंफर्टेबल फील कराया मुझे ऑन द सेट, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि ऐसा एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है जब से हमने शूट करना स्टार्ट किया है, एंड वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे जो मेरा पहला शो मिला है वो ऐसे एक्टर्स के साथ मिला है जो कि टैलेंटेड होने के साथ साथ दे आर वेरी गुड ह्यूमन बींग ऑल्सो। ऑडियंस आर गेसिंग दैट इट्स एन लव ट्रायंगल स्टोरी। जी, जैसा कि एकता मैम ने भी बताया था कि रघुवीर की लाइफ में तीन डिफरेंट स्टेजेस दिखाएंगे, तीन लड़कियाँ आती हैं और उसके बाद क्या होता है, कौन पहले आ रही है, फिर क्या होता है, वो सब के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। ऑफ स्क्रीन किस तरह का माहौल है? लाइक सेट्स पे? सेट्स पे बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही फ्रेंडली वाइब है। जो मैंने जैसे सुना था कि टीवी के शूट्स होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मैंने एक्चुअली में अभी देखा है, जाना है कि कैसे होता है। आई वॉज़ वेरी वर्ड कि कैसे होगा, क्या होगा, बट बहुत ही काम, वेरी फ्रेंडली एंड वेरी नाइस एक्सपीरियंस। वो किसी के साथ में पहला शो है, तो मतलब यही शो आपने क्यों चुना पहले करने के लिए, व्हाई नॉट फिल्म्स? ऑनेस्टली मुझे अभी कुछ ही टाइम हुआ है बॉम्बे आए हुए, इट्स जस्ट बीन टू इयर्स, वन एंड अ हाफ, टू इयर्स, आई एम गोइंग टू कंप्लीट माय सेकंड ईयर सून, और जो ये कैरेक्टर जब मेरे पास आया था जिस ऑडिशन के लिए, आई कुड रिलेट वेरी वेल टू इट। मुझे लगा था कि बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत एक्साइटिंग होगा टू शूट फॉर इट, तो जो मेरे पास पहले अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने वो ग्रैब करी। मेरा मानना है कि एक एक्टर, या नेवर से नेवर, और एक एक्टर को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, चाहे वो टेलीविज़न हो, फिल्म्स हो या वेब हो, जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले, हमें तो मतलब मौका चाहिए टू परफॉर्म। ओके, सबसे पहले तो शो के बारे में बताइए, कवच क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, कवच जो है बहुत ही यूनिक स्टोरी लाइन के साथ आ रहा है, हॉरर शो है और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो लोगों को बहुत पसंद आएगा और मैं आशा करता हूँ कि हमारी ऑडियंस जो है शो को पसंद करे, हमारे कैरेक्टर्स को पसंद करे। ओके, जी साहब, मैं किरदार के बारे में कुछ बताइए, किस तरह किरदार मेरा, मैं इसमें कपिल का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो कि नमिक यानी अंगद जो प्ले कर रहे हैं उसका फ्रेंड है, और इतना ही कह सकता हूँ बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है और बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है जो कि ऑडियंस को पसंद आएगा फॉर श्योर। फर्स्ट पार्ट अच्छा गया, सेकंड पार्ट का देखिए, फर्स्ट पार्ट बिल्कुल अच्छा गया और प्रेशर ऐसा तो मैं क्या कहूँ, देखिए एज एन एक्टर हम 100% दे सकते हैं अपना, एंड हम जो हम कर रहे हैं पूरी मेहनत, और आई एम श्योर बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन इज सो गुड, द कैरेक्टर्स आर सो गुड, दे आर सो अमेजिंग, तो ऑडियंस को 100% पसंद आएगा और नंबर्स तो आ ही जाएंगे। जी, प्रोमो के बारे में मैं यही कहूँगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा प्रोमो, और जितने भी रिव्यूज़ आए हैं अभी तक फैंस के और जितने भी मेरे, इवन मेरे रिलेटिव्स के, मेरी फैमिली के, तो सबके अच्छे ही रिव्यूज़, पॉजिटिव रिव्यूज़ आए हैं अभी तक, एक भी कुछ ऐसा यू नो नेगेटिव रिव्यू नहीं आया है, तो पर्सनली भी अच्छा लगा और लोगों से भी अच्छा रिव्यू मिला, तो इट्स ऑल। इंडस्ट्री से कोई रिव्यू अबाउट द शो? मेरे जो गिने चुने दोस्त हैं इंडस्ट्री में, उन्होंने तो यही कहा है कि उन्हें बहुत पसंद आया है प्रोमो, एंड अगर उन्होंने कहा है, इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं। शो का नाम है बेपनाह प्यार, ऑफ कोर्स प्यार मोहब्बत की कहानी है। मैं प्ले कर रही हूँ बानी,
और रघुबीर और बानी बहुत ज़्यादा प्यार में हैं और एक बहुत ही हैप्पी कपल हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लाइफ में जो आपको हमेशा चाहिए होता है वो मिलता नहीं है, और कई बार जब मिल जाता है जिस चीज़ को आप अपने दिल के एकदम करीब रखना चाहते हैं, कभी उसको गंवाना नहीं चाहते, ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि वो आपसे दूर हो जाते हैं, लेकिन लाइफ है, आपको हर चीज़ से डील करना पड़ता है, सो यू हैव टू डील विद एवरी इमोशंस। तो ये रघुबीर की कहानी है कि कैसे, क्या वो कभी मूव ऑन कर पाएगा, अगर कर पाएगा तो कैसे करेगा, क्या होगा, क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और आएगा, क्या वो अपने पुराने प्यार को भुला पाएगा, सो इट्स अ जर्नी एंड इट्स ऑल्सो अ थ्रिलर, इट्स अ मिस्ट्री, सो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इंक्लूडेड होंगे और आप लोग को देखने में एज व्यूअर्स बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके जी, तो आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए कि जिसमें हमने देखा तीन लड़के हैं जी, उसके बारे में आपका किरदार क्या है, क्या मेरा किरदार, मैं उसकी वाइफ, आई एम प्लेइंग हिज वाइफ, एंड सिंपल सी लड़की है, हैप्पी है, खुश रहती है, बहुत पॉजिटिव लड़की है और प्यार में बहुत ज़्यादा विश्वास करती है, और रघुबीर और बानी एक ऐसे जो बहुत ही हैप्पी कपल होते हैं, टू मच इन लव, प्योर हार्टेड, एकदम डेप्थ वाला प्यार है उन दोनों का, और फिर कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, प्रोग्रेस करेंगी, वो आपको शो में देखना पड़ेगा। लास्टली क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस से? मैं फैन से कहना चाहूँगी कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, हमको बेशुमार मोहब्बत देते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे शो को बेपनाह प्यार दीजिए, इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना पसंद हैं, द कास्ट इज़ अमेजिंग, वी ऑल आर वर्किंग रियली हार्ड एंड वी आर रियली होपिंग कि आप हमें बहुत सारा प्यार दें, प्रोमो को बहुत प्यार मिला है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट। और फिल्म में अब तक देखा था आप जो है होने वाली है, इनफैक्ट मैंने टीवी से शुरुआत की थी और ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स बैक आई स्टार्टेड फ्रॉम टीवी, फिर मैंने फिल्म्स की, फिर टीवी किया, सो एज एन एक्टर आई ऑलवेज वांट टू यू नो नॉट लिमिट माई सेल्फ कि मैं सिर्फ टीवी करूँगी या सिर्फ फिल्म करूँगी, मुझे सब अच्छा काम करना है, अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करने हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स करने हैं, सो हियर आई एम विद बेपनाह प्यार जो बहुत ही जल्द आने वाला है टीवी पे 3 जून रात को 10 बजे ऑन कलर्स, एंड आई एम वेरी वेरी थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड अबाउट इट। तो मेरे कैरेक्टर का नाम प्रगति है एंड शी इज़ टुडेज़ गर्ल, वेरी मॉडर्न बट शी इज़ क्लम्जी एट द सेम टाइम, शी इज़ वेरी सिंसियर बट थोड़ी फुगेटफुल है, भूल जाती है, कन्फ्यूज रहती है, सो दीज आर स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स इन अ कैरेक्टर विच मेक अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन टू वॉच। शी इज़ अ गो गेटर, काम के लिए बहुत सिंसियर है, अपने परमानेंट जॉब चाहिए उसको, तो एक वो नया इंसान होता है जिस कॉलेज से निकल के जॉब की शुरुआत करता है, तो जो जितनी एनर्जी उसमें रहती है कि रात को 12 बजे बुलाओ तो वो आ जाएंगे क्योंकि उनको काम करना है, यू नो मेहनत अपना दिखाना है कि यू नो आई कैन डू दिस, शी इज़ दैट। जी तो हमने शूटिंग अभी जस्ट कुछ ही दिन हुए हमने शुरू किया है, सो आई नॉट वर्क विद एवरीबडी बट जितने लोगों के साथ काम किया मुझे बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा, आई मीन टैक्ट विद पॉल, हमने शूट नहीं किया अब तक बट ही इज़ वेरी वेरी स्वीट, यू नो सॉफ्ट स्पोकन, डाउन टू अर्थ, सो आई थिंक वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट एंड गाला टाइम ऑन सेट। दोनों मीडियम में काम किया है, स्मॉल एंड जी जी, तो कौन सा मीडियम सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगता है? Challenging I think would be television because not just for the actors, I think even for the creatives, क्योंकि every day you have to come up with something interesting and audiences को hold करके रखना है, and कुछ shows हैं जो सालों साल चलते हैं and you know they have such big great fan following, I think that's a very tough job, so सबसे मुश्किल job creatives का होता है मेरे according to me, and of course the working hours and you know like I said constant you're working and working on your craft, but as an actor I feel it's good कि आप रोज़ अपना episode देखें, you can add on to it, you know you can change something, you can experiment, so both mediums have their own benefits, in films you can do 2-3 type like films कर सकते हो आप, अलग अलग character play कर सकते हो, so सबका अपना plus and minus होता है, I enjoy doing both. Okay, जी साहब जिस तरीके से हमने देखा कि तीन लड़कियां हैं, एक लड़का है, क्या कहना चाहिए, कितना अनफेयर है, मैंने बोला पर्ल को बैकस्टेज कि व्हाट इज़ दिस, हाँ मुझे तो एक ही लड़का मिला, सबको एक एक मिला, आपको तीन मिल गए, आप तो बहुत लकी हो, वो भी इतनी खूबसूरत तीन लड़कियाँ, सो या आई थिंक दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एलिमेंट इन आर शो, काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कैसे होने वाला है, यू नो 3 गर्ल्स एंड 1 गाय, हाउ इज़ इट गोइंग टू प्ले आउट, सो वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा शो जो 3 जून को आने वाला है। इट्स द स्टोरी लाइन, आई थिंक इट्स द स्टोरी लाइन जो लव स्टोरी है विथ थ्रिलर एलिमेंट्स एंड विथ सो मेनी कैरेक्टर्स दैट वी हैव इन अ शो, एंड धीरे धीरे वो सब ट्विस्ट्स एंड टर्न्स जब अनवील होंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना कुछ हो रहा है, सो आई कॉन्ट टॉक मच अबाउट द स्टोरी लाइन बट आई कैन से दैट इट्स अ वेरी द प्लॉट इज़ वेरी ग्रिपिंग। ओके बोल, सबसे पहले तो इस शो के बारे में बताइए, काफ़ी अलग सा शो है बेपनाह प्यार, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? डेफिनेटली ये काफ़ी अलग है और मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी इस तरीके का कोई कैरेक्टर प्ले नहीं किया, ना ही कभी देखा है, बिकॉज़ दुख के अलग अलग लेवल होते हैं, मैं नहीं कह रहा एक सैड स्टोरी है,
लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टोरी है जिसमें आप बहुत सारे स्ट्रेंग्स देखेंगे. मतलब हमारे लिए हंसने और रोने के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते. बहुत कम लोग हैं जो उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं. और मैं चाहूँगा कि भगवान ना करे कभी आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसा कोई दुख आए कि आप उस फेज़ में जाएँ. लेकिन ये जो कैरेक्टर है रघुवीर, ये एक बहुत ही अजीब से स्टेट में है अपने ज़िंदगी के, जहाँ पे बहुत ही अजीब से स्टेट में है जहाँ पे सही और गलत के बीच में, प्यार और नफ़रत के बीच में वो फ़र्क नहीं कर पाता, खुशी और दुख के बीच में फ़र्क नहीं कर पाता. मतलब पागल समझते हैं लोग उसे. तो एक वैसा कैरेक्टर प्ले करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ. एंड ट्रस्ट मी, मतलब वैसे अभी हम लोगों ने शूट शुरू कर दिया है तो मैं बता पा रहा हूँ, आफ्टर एवरी 10 मिनट्स ऑफ शूटिंग मेरे को खुद ही हेडेक होने लगता है. मैं ब्रेक लेके बैठ जाता हूँ, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, सिर दुखता है, प्यूकिश लगता है, अजीब सा लगता है. क्योंकि कैरेक्टर इतना इंटेंस है कि फॉर एनी एक्टर फॉर दैट मैटर, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल है. मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर इस शो को देखें, आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा. और बड़ी बात यह है कि ये मेल सेंट्रिक स्टोरी है, तो बहुत कम ऐसा होता है कि मेल सेंट्रिक. मेरे ख्याल बालाजी में पहली बार हम लोग कोई ऐसा शो लेके आ रहे हैं जो मेल सेंट्रिक है. तो बहुत ही कमाल का लिखा हुआ है. मैंने जब निर्देशन ली थी तभी से मैं थोड़ा सा सनक गया हूँ. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से और अच्छा किया जाए इसको. जी, और क्या क्या रेफरेंस तो मैंने नहीं लिया कोई, लेकिन प्रिपरेशन बहुत की है. क्योंकि ऐसा दुख, अगर आप किसी चीज़ से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी इंसान से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो इंसान इस दुनिया से चला जाए, और आप अपनी दुनिया उसके बिना सोच ही नहीं सकते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जीना. तो जीने और मरने के बीच की जो स्टेट है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है. तो वहाँ पर लोग आपको पागल समझने लगते हैं. उस तरीके का कुछ कैरेक्टर है. आपके किरदारों की अगर बात करी है, तो ऐसा कौन सा किरदार है जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज हो? काफ़ी अलग अलग तरीके के किरदार हैं भाई, आपने जिस तरीके से ये अलग है, इससे पहले वाला नागिन में अलग था, और जो बाकी किरदार जो आपने किए वो भी अलग थे. तो विच वन इज़ योर क्लोज टू योर हार्ट? देखिए, अपने सारे ही बच्चे अपने को उतने ही प्यारे होते हैं. मेरे सारे कैरेक्टर्स मेरे बहुत क्लोज हैं, लेकिन फ़िलहाल जो रघुवीर कैरेक्टर है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है अब तक का. मतलब बीइंग एक्टर, मैं आपसे एक इमोशन शेयर कर रहा हूँ कि मैं बीमार फील करने लगता हूँ. अब ऐसा लगता है कि मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे क्या हो रहा है, वैसा वाला कैरेक्टर है. तो आई एम श्योर अगर मुझे करने में ऐसा सब कुछ लग रहा है तो आपको देखने में भी बहुत मज़ा आएगा. ओके, इसी के साथ में आपके गाने को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? थैंक यू सो मच. ये मेरा पहला गाना है, और जिस तरीके का प्यार आप लोग दे रहे हैं, दैट्स ओवरवेलमिंग. मैं बहुत खुश हूँ. आई फील ब्लेस्ड. मैं भगवान से और आप लोगों से बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ. शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं. जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ देखिए, सुनिए मेरे गाने को. पीड़ मेरी मेरे गाने का नाम है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके अगर सुनेंगे तो. और अगर अच्छा लगता है तो सबको सुनाइए. ये आप जब लास्ट एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा. जी, वो सुपर टैलेंटेड हैं. वो कुछ भी कर लें तो मुझे कम ही लगेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो कुछ भी कर सकती हैं. एक टाइम पे एक इंसान 100 चीज़ें कैसे मैनेज कर सकता है, तो मैं उनसे बहुत सीखता हूँ. मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, स्वीट हार्ट, एंड वो बहुत टैलेंटेड हैं. मतलब जितना टैलेंट हम सोचते हैं कि नहीं यार ये बहुत टैलेंटेड, वो बहुत टैलेंटेड, मैं उनसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि ये तो दूसरे लेवल का ही टैलेंट है. मतलब आप, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, ट्रस्ट मी, वो एक जगह पे खड़े खड़े ना 15-20 काम एक साथ कर रहे होते हैं ऑलरेडी. दैट्स वेरी डिफिकल्ट एंड शी इज़ माइंड ब्लोइंग. जी डेफिनेटली आप मानते हैं लकी हैं. मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मैं लकी हूँ, क्योंकि बहुत खूबसूरत लड़कियाँ हैं मेरे आसपास और सबको ही अच्छा लगता है. लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि बहुत अच्छे एक्टर्स हों आपके आसपास. इंपॉर्टेंट होता है कि वो कोऑपरेटिव हों. तो द बेस्ट पार्ट इज़ दे ऑल आर वेरी कोऑपरेटिव, दे ऑल आर वेरी गुड लुकिंग, दे ऑल आर वेरी गुड एट देयर क्राफ्ट. वो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट.
अपने सारे फैंस से सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जो भी मुझे प्यार दिया वो बहुत है, एंड आपने बहुत प्यार दिया नागिन 3 को, माहिर को बहुत प्यार दिया। मैं चाहता हूँ कि अब आप बेपनाह प्यार दें, बेपनाह प्यार को और रघुवीर को। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, एंड आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, और मुझे आपके बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है। सो प्लीज़ देखिए एंड मुझे बताइए TRP के थ्रू कैसा लगा आपको।